देखो वैसे तो मैं माइक्स का वीडियो ज्यादातर बनाता नहीं, लेकिन आज किस वीडियो पर मैं रिव्यू करने वाला हूँ इसी रंग बिरंगे एक माइक का, जिसका रंग बदलता ही रहता है। आप देख सकते हो और साउंड क्वालिटी तो आप सुन ही सकते होंगे, बहुत सही आ रहा है मेरे को पता है। और मैं इसी माइक का क्यों रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि आप आवाज सुन सकते हो और आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे ऐसे अभी आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। सो ऐसे ये वर्क करता है, इतना सीमलेस है। इवन दो आप यहाँ पे अपना जो मतलब गेन लेवल है उसको आप घटा सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, फट जाएगा एकदम से, अब ठीक है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका प्राइसिंग, ये आपको 3,500 के आसपास अमेजोन पे मिल जाएगा। एकदम अच्छा खासा कंप्यूटर लगा मेरे को ब्लू स्नोबॉल या फिर येटी जो है उसके मुकाबले। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ठीक है इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। और आप में से बहुत से लोग मेरे को ये कमेंट करते रहते हो कि भाई तू कौन सा वाला माइक यूज करता है, एक सजेस्ट कर, इतना बजट है मेरा बेस्ट है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉप फिल्टर भी आपको मिलता है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा स्माइली भी है। और हाँ स्टैंड वैंड सब कुछ वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया गाइस, मैं ना यहाँ पे इस माइक का 3 ऐसे माइक्स का गिव अवे करने वाला हूँ फाइनली। हाँ अभी आप लोग बोलोगे कि भाई माइक्स का गिव अवे कौन सा तो करता नहीं, करेंगे धीरे धीरे करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे उसके बाद बड़े पे जाएंगे, ठीक है ना। सो देखो माइक में उतना तो है नहीं कि लाइक कैसे करना है, प्लग एंड प्ले एकदम से। यहाँ पे टाइप सी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो यूएसबी है दिखा। सो या आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूएसबी लगा हुआ है और यहाँ पे ऑडासिटी करके एक सॉफ्टवेयर को मैंने लगा के रखा है। सो आपको कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग का वो बार्स देखने को मिल जा रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। बाकी मैं एक बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ। हाँ एक पहले से अनबॉक्सड है और दूसरा वाला भी अनबॉक्स होने वाला है, थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे से मैं पैकिंग करके फिर से डाल दूंगा ट्यूब। सो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पर भी एक माइक है, सो साइमल्टेनियसली आपको डिफरेंस सुनाई देगा लाइक माइक टेस्टिंग 1-2-3 माइक टेस्टिंग 1-2-3। एक को अनपैक करते हैं ये वाला। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि बॉक्स आपको कुछ दिखने में ऐसा मिलेगा और आप यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह देख सकते हो। हाँ ये फिफिन के तरफ से आता है, फिफिन एम्पली गेम। यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है कि एक वो रॉकर मिलेगा जिससे कि आप घटा सकते हो बढ़ा सकते हो जो गेन है उसको। उसके बाद बिल्ट इन साउंड कार्ड है। हाँ यहाँ पे कोई भी साउंड कार्ड की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यूएसबी लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे 8GB लाइटिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, दिखने में कुछ ऐसा है, दिखने में बहुत ज्यादा सही लगता है। और बाकी यहाँ पे कुछ टैग वगैरह है, आफ्टर दैट पीछे आप देख लो, स्पेसिफिकेशंस आप देख लो, एलिमेंट हाँ कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद पोलर पैटर्न है, हाँ ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता रहता है, लाइक चेंज होता रहता है कलर्स वगैरह। उसके बाद 5V का ये पावर सप्लाई है इसका। उसके बाद हाँ आउटपुट कनेक्टर है यूएसबी। फीचर्स क्या क्या है, टैप टू म्यूट सेंसर जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया। उसके बाद प्लग एंड प्ले है, हाँ प्लग कर लो उसके बाद प्ले कर लो कोई दिक्कत नहीं। 8GB लाइटिंग है, पॉप फिल्टर है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। और हाँ गेन कंट्रोल फाइनली 8GB है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। सो इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपली आप इसको ऐसे करके अनबॉक्स कर सकते हो। हाँ ऊपर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये अटका हुआ था। सो ये है इसका यूजर गाइड, एज यू कैन सी, जिसका कोई जरूरत है नहीं फिलहाल तो। इसको हटाते हैं। सो ये है माइक जो कि देखने में कुछ ऐसा है। यहाँ पे जो उन्होंने मैकेनिज्म दिया है आप देख सकते हो कि माइक ज्यादा हीले ना, इसीलिए उन्होंने रबराइज्ड कुछ प्रोवाइड किया है ताकि शेक कम आए इसमें। और यहाँ पे पॉप फिल्टर पहले से आपको दिखाई देगा और यहाँ पे इस वाले पोर्शन को आप एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे वो गेन लेवल आप कस्टमाइज कर पाओगे एज यू कैन सी। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टाइप सी केबल प्रोवाइड कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हो, फिफिन ब्रांडिंग है यहाँ पे। और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा टाइप सी आपको प्रोवाइड किया गया। सो इसको इस वाले सेक्शन पे आपको लगाना पड़ेगा, देन आपको इस वाले पोर्शन को अपने कंप्यूटर पे लगाना है, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्टैंड भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, सो आप देख सकते हो स्टैंड दिखने में कुछ ऐसा है। और भाई एक चीज मैं बता दूं, इतना ज्यादा भारी है ना ये, इसको अगर किसी के ऐसे करके मारू ना काम करता हूं। बट हाँ जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा स्टर्डी भी होगा, ठीक है ना। सो आपको नीचे ऐसे करके लगाना है, just like that and you are good to go. So yeah, यही है माइक, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, मेरे को तो पर्सनली बहुत ज्यादा सही लगा, प्राइसिंग के हिसाब से तो बेस्ट है। सो आप में से कोई भी 3 लकी विनर्स इस माइक को जीत सकते हो। और गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है मैं आपको सिंपली मैं इलेबोरेट करता हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। ट्विटर मेरा बहुत ही
हाँ, सो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने वाला एक पोस्ट मिलेगा, उसको लाइक करना है और उसके कमेंट सेक्शन पे किसी भी 3 जन को टैग करना है, बस आप पार्टिसिपेट हो जाओगे। और फेक अकाउंट होल्डर्स को कोई भी भाव नहीं मिलने वाला, जेन्युइन होना चाहिए ताकि मैं वेरीफाई करके उसके बाद एड्रेस वगैरह लेके मैं अनाउंस कर सकूं। और आज मैंने वीडियो पोस्ट किया, सो आज से लेके ठीक 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैं विनर अनाउंस कर दूंगा, ट्विटर पे भी कर दूंगा, और अगर आप मेरे को पहले से ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो फिर मैं वहां पर भी स्टोरी मेंशन कर दूंगा। सो मेरे को जाके फॉलो करो, जाओ थोड़ा सा रीच बढ़ाओ और कुछ नहीं। वैसे अगर आपको इसको परचेस करना है तो फिर या वैल्यू फॉर मनी है, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो, लाइक पॉडकास्ट के लिए या फिर सिंगिंग वगैरह के लिए, ठीक है, मेरे को सही लगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप परचेस कर सकते हो गिवअवे में, अगर ना मिले तो फिर, बट आएगा, बहुत सारे गिवअवे आने वाले हैं। सो मंथ को एकदम से सख्त करके गिवअवे में पार्टिसिपेट करो, जीत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, वीडियो कैसा लगा, मेरे को तो लग रहा है बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो गए होंगे आप लोग। सो इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे गिवअवे ऐसे आने वाले हैं। सो यार, मिलता है ऐसे वीडियो के साथ, सो गुड बाय।